आपके लिए स्ट्रगल क्या है? लाइक यू सेड कि यार अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो और आप बेसिक चीज़ें ही कर रहे हो, आपको घर से पैसा आ रहा है सफिशिएंट कि आप पढ़ाई कर पा रहे हो इंदौर से शहर के अंदर भी या किसी बाहर सिटी में, अगर वो स्ट्रगल नहीं है तो स्ट्रगल क्या है? इफ़ यू कैन अलाउ मी, और कुछ लोगों के मैं नाम लेना चाहूँगा, वैसे ये पॉडकास्ट ऑनलाइन जाने वाला है, वो लोग शायद अच्छा ना लगे उन्हें कि मैंने उन लोगों का नाम लिया, पर आई शुड से दिस क्योंकि वो लोग मुझे लगता है कि नोबल है. देर आर सम नेम्स जो एक मुझे अभी अभी हालिया में एक नरेन्द्र गौतम सर मिले हैं, और जब वो अपनी कहानियाँ बताते हैं तो आई फील कि दैट इज स्ट्रगल. मतलब मैन ही इज़ द मैन हु मेड हिमसेल्फ. हमें हमारे फादर मदर फैमिली सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो बस घर से निकल गए थे, देयर वाज नो सपोर्ट, उन्होंने खुद को बनाया है. मेरा रूममेट है अभी सतीश पवार, और अभी एग्जाम दे रहे हैं, और ही इज़ द सेम मैन, उन्होंने खुद को बनाया है. तो मुझे लगता है जिनके पास फैमिली नहीं है, जिनके पास सपोर्ट नहीं है, ग्रेटनेस उनके लिए छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन वो आएंगे तो उनके लिए वो ग्रेटनेस की जगह खाली रहना चाहिए और हमें वो जगह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेक्शन में हमारी फैमिली साथ है. ये वो लोग हैं जो खुद को बना रहे हैं, और कुछ नाम होंगे, इतने नाम मैं जानता हूँ, पर मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से नाम हैं जो सर्वाइव करते हैं बहुत हार्ड कंडीशंस में, और आई थिंक कि आई वॉज नॉट वन ऑफ देम. मुझे मेरा खुद का अपना एक हार्डनेस है, स्ट्रगल नहीं कहता मैं उसे, पर वो वैसी नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे पापा के थे, और मेरा जो स्ट्रगल है मतलब बुक्स हैं, और आई टेल यू कि 2 टाइम का खाना है, तो इतना काफ़ी था. तो मुझे लगता है कि जिनका पेट खाली है फिर भी वो पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रगल उनके लिए है. तो मेरे लिए स्ट्रगल की जो परिभाषा है वो वाली है. राइट, जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे कल, आई हैव सीन पीपल बीइंग अ लाइब्रेरियन. जब बच्चे आते हैं और बताते हैं कि भैया ये चल रहा है घर में, कई लोगों के घर में बहुत रेयर, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि यार जैसे मेरे एक फ्रेंड है, मेरे एक स्टूडेंट थे, वो अभी फ्रेंड है मेरे, तो जब वो लाइब्रेरी आए थे तो फैमिली बहुत हैपनिंग था, और जस्ट कुछ दिनों के बाद में जब कोविड आया तो उनकी फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो गई कोविड के अंदर. मम्मी नहीं रही, पापा नहीं रहे, और तब उसको पता लगा कि यार भैया समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. एंड देन आई सेड कि यार चल ठीक है, जितना हमसे मन पड़ेगा, तो हम लोगों ने उस स्टूडेंट को सपोर्ट किया, और अभी वो इस लेवल पे है कि बहुत जल्दी वो सिलेक्ट होने वाला है. तो आई फील कि वो भी एक स्ट्रगल है, क्योंकि आपके साथ से चीज़ें ना कभी आपके हाथ से बाहर हो जाती है. आप नहीं सोचते हो कि यार स्टूडेंट लाइफ में आपके पास सब कुछ मिल रहा है, आज फैमिली घर से आपको पैसा दे रही है, कल को अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि यार ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, तो आई फील कि यार वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाता है.